दोस्तों जब आप एक स्मार्टफोन परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पे शॉप पे सबसे पहले आप देखते हैं फोन में रैम कितना जीबी है और रोम कितना जीबी है, और सबसे पहले आपको यही चीज बताया भी जाता है 8 GB रैम एंड 128 GB इंटरनल स्टोरेज। तब तो आप सोचते हैं हाँ नॉर्मल फोन है, लेकिन यहाँ पे आपको बताया जब जाता है 8 GB रैम एंड 256 GB इंटरनल स्टोरेज तो आपको लगता है यार ये तो बहुत बढ़िया फोन है। इसके साथ बैटरी बैकअप की बात कर ले तो बैटरी कितनी एमएच की है, तो 4000 mAh की है तो नॉर्मल है, ठीक ठाक है। लेकिन अगर 5000 mAh की बैटरी है तो भाई बहुत बढ़िया है, और 6000 mAh की बैटरी बोल दे तो सोने पे सुहागा है भाई, मतलब जबरदस्त है, ले लो इसी फोन को। लेकिन इतना ही नहीं होता है, उसमें और भी अगर डीपली जाए तो फोन को परचेस करने का काफी सारे थॉट मैटर करते हैं, काफी सारे चीजें हैं जो कि फोन में चेक करना चाहिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए उसका इंजन देखा जाता है, तो यहाँ पे भी सेम चीज, सबसे पहले अगर फोन लेते हैं तो फोन का प्रोसेसर चेक करना चाहिए, प्रोसेसर कैसा है और कौन सा प्रोसेसर है। अगर आपके फोन का प्रोसेसर सही रहेगा तो ही आप अपने फोन को यूज कर पाएंगे, प्रोसेसर ही सही नहीं रहा तो आप फोन कितना भी बढ़िया दिख जाए, कितना भी लुक वाइज बढ़िया हो, कितना भी बैटरी बैकअप अच्छा खासा दे, भाई कोई फायदा नहीं है। तो फोन अगर आपका ऑन रहेगा तो ही आप फोन को यूज कर पाएंगे। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कौन सा प्रोसेसर होते हैं सही, कौन सा प्रोसेसर वाला फोन लेना चाहिए और कितने तरह के प्रोसेसर आते हैं, कौन कौन सा प्रोसेसर लगे हुए रहते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं Qualcomm Snapdragon एंड MediaTek Dimensity, आप ये दोनों नाम सुने होंगे, जब भी जाते होंगे कोई सा भी फोन परचेस करेंगे आपको या तो Snapdragon मिलेगा प्रोसेसर या फिर MediaTek का, ये दोनों एक ब्रांड है, कंपनी है, ये प्रोसेसर बनाती है। इसके अलावा Samsung का भी है ऑफिशियल, Samsung भी प्रोसेसर बनाती है जिसका नाम है Exynos, iPhone जो Apple जिसका की बायोनिक चिप नाम है, इसी तरह से ये प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर में मैक्सिमम आप आईफोन लेते हैं तो उसमें तो बायोनिक चिप मिलता है और बायोनिक चिप बहुत बढ़िया होता है, वैसे कोई बड़ा प्रॉब्लम उसमें नहीं होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं ना, ऐसा नहीं है कि अगर बायोनिक चिप एप्पल का अगर चिप लगा हुआ है उसमें तो ये स्नैपड्रैगन के और MediaTek को टक्कर नहीं दे पाएगा, देगा। हाँ MediaTek और स्नैपड्रैगन उसके कंपेयर में आ जाते हैं भाई, अभी काफी सारे प्रोसेसर आए हैं लेटेस्ट में जो। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सैमसंग का जो प्रोसेसर है Exynos ना, Exynos में बहुत ज्यादा ही इशू फेस करने को मिलते हैं, या वो फ्लेक्सी लेवल का फोन होगा, S24 अल्ट्रा का कंपेयर नहीं कर सकते हैं लेकिन S21 S23 तक बोल सकता हूँ, मतलब ये प्रोसेसर जो है ना वो थोड़ा सा इशू करता है, हीटिंग वगैरह लैगिंग हैंगिंग प्रॉब्लम भाई बहुत ज्यादा होता है। सो अगर कोई भी सैमसंग का फोन लेते हैं तो Exynos लगा हुआ है ना तो उस फोन को बिल्कुल भी नहीं परचेस कीजिए, स्नैपड्रैगन है परचेस कर लीजिए बहुत बढ़िया रहता है। तो स्नैपड्रैगन में भी काफी सारे सीरीज है, स्नैपड्रैगन 888, इससे भी पहले और भी प्रोसेसर आए हुए हैं लेकिन ये सब थोड़ा फेमस है, 888 आ गया, इसके अलावा 8 Gen 1 आया, 8 Gen 2 आया, और अभी लास्ट है जो कि लेटेस्ट है 8 Gen 3, और 8 Gen 3 जो प्रोसेसर आने वाला जो एप्पल का बायोनिक चिप है ना A17 Pro भाई उसका कंपेयर में मतलब जबरदस्त फील देता है यार। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं एप्पल में जो लेटेस्ट प्रोसेसर रिसेंट जो है A17 Pro है, और अगर स्नैपड्रैगन में देखें तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, और MediaTek में MediaTek Dimensity 9300 का प्रोसेसर लेटेस्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग आप खुद से भी जज कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, आपको नाम तो बता दिया जाएगा कि यह प्रोसेसर है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी प्रोसेसर, काफी सारे फोन ऐसे हैं जो कि फ्लैगशिप लेवल का फोन है, महंगे फोन है लेकिन उसमें प्रोसेसर तगड़ा वाला नहीं मिलते हैं, और काफी सारे सस्ते फोन है लेकिन उसमें प्रोसेसर बहुत बढ़िया मिलता है। सस्ते फोन ले रहे हैं अगर वहां पे आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल रहा है ना तो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर बहुत बढ़िया, MediaTek से बहुत बढ़िया है स्नैपड्रैगन सस्ते फोन के लिए, बाकी तो महंगे फोन में तो चलता है। स्नैपड्रैगन का एक प्रोसेसर बहुत फेमस है जो कि मुझे पर्सनली पसंद आता है जो कि स्नैपड्रैगन 695 जो कि 5G प्रोसेसर है, सस्ते फोन में भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, मतलब ऑलराउंडर प्रोसेसर है। कोई भी प्रोसेसर का सस्ते फोन लेते हैं तो ये प्रोसेसर का फोन लीजिए, बेफिक्र होकर के चला सकते हैं कुछ भी गेम प्ले वगैरह सब कुछ चला सकते हैं। और अगर आप महंगा फोन परचेस करते हैं तो वहां पे आप जो लेटेस्ट प्रोसेसर है उससे कंपेयर कर लीजिए कि कितना नीचे है, जितना लेटेस्ट प्रोसेसर होगा इसका जो सीरीज चल रहा है जितना लेटेस्ट रहेगा ना उतना दमदार और पावरफुल प्रोसेसर रहेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि 8 Gen 1 आया तो 8 Gen 1 से कहीं बेटर 8 Gen 2 था, और 8 Gen 2 से भी बहुत बढ़िया जो कि जबरदस्त बोल सकते हैं 8 Gen 3 है स्नैपड्रैगन में, और उसी तरह से MediaTek में भी है। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रोसेसर को बाय कीजिए, लेकिन वहां पे एक चीज और ध्यान देना है कि ये प्रोसेसर कितना NM पे बेस्ड है, 4 NM पे भी लेटेस्ट है, मिनिमम 4 NM पे बन रहा है, और वैसे एप्पल 3 NM पे भी बना रहा है, तो 4 NM पे है तो बहुत बढ़िया है। जितना कम NM का होता है ना नैनोमीटर, मतलब कि जितना कम नैनोमीटर का रहेगा ना उतना पावरफुल प्रोसेसर रहता है, उसमें जो जो प्रोसेसर बने हुए रहते हैं उसके बीच में जो गैप होता है ना वो चीज
मतलब जितना गैप कम रहेगा, जितना कम नैनोमीटर पे बेस्ट रहेगा, उतना फास्ट प्रोसेसिंग करेगा। तो आई होप कि ये आपको प्रोसेसर समझ में आ गया कि कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। और अगर आप बोले कि किस प्राइस रेंज में कौन सा प्रोसेसर बेटर है, बेस्ट है, कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, अगर ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। सो बस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो थोड़ा पसंद आया तो वीडियो को लाइक, दोनों हाथ से लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए।